तो ये है एल-आर्जिनिन 3 ग्राम जो हम पियेंगे, और इस 3 ग्राम एल-आर्जिनिन के यूज से मुझे मिलेंगे 10 बेनिफिट्स जो हर आदमी को अपनी लाइफस्टाइल में चाहिए। पहला बेनिफिट है एल-आर्जिनिन के यूज से, वो है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, हार्ट हेल्दी रहता है, बीपी लो रहता है। सेकेंड, विजो डायलिटेशन, तो जो नसें है बॉडी की वो डायलेटेड रहती है, इस कारण से इसमें अच्छा एक्शन रहता है, रेक्टल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम नहीं होती। तीसरा, एल-आर्जिनिन एक बहुत सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से बॉडी में फ्री रेडिकल डैमेज और स्पेशली स्पर्म काउंट प्रॉब्लम नहीं आती है। चौथा है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, इससे इम्यूनिटी हाई रहती है, कॉमन कोल्ड, खांसी जुकाम वगैरह नहीं होता है। पांचवा है, ये हार्ट के लिए बहुत हेल्दी है, तो ये अगर कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम किसी को हो सकती है, तो वो इसको प्रिवेंट करता है। अगर आप स्मोकर हैं, अल्कोहलिक है, तो एल-आर्जिनिन के यूज़ से स्मोकिंग और अल्कोहल का जो नेगेटिव इफेक्ट है आपकी बॉडी पे वो नहीं होगा। छठा, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो एल-आर्जिनिन एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, इस कारण से जिस आदमी को बॉडी बनानी है, जिम जाना है, या कोई है जो जिम नहीं जा पा रहा है, डेली वर्क में बिजी है और चाहता है कि शरीर का मसल मास कम ना हो, तो एल-आर्जिनिन मसल मास को घटने से रोकता है और प्रोटीन सिंथेसिस की हेल्प से बॉडी में आपको प्रोटीन की ग्रोथ एक्स्ट्रा देता है। अगर आप जिम जंकीज है, रोज़ जिम जाते हैं, आपको लगता है जिम में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा पंप चाहिए, तो एल-आर्जिनिन आपकी ब्लड सप्लाई बढ़ा के आपको जिम में हार्डनेस, ज़्यादा इफेक्टिव पंप, ज़्यादा इफेक्टिव मसल ग्रोथ दे सकता है। और डायबिटीज़ के पेशेंट्स अगर एल-आर्जिनिन यूज़ करेंगे तो उनका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि एल-आर्जिनिन ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करता है और शुगर साइकिल को रेगुलेट करने में भी इसकी बहुत बड़ा रोल है। और दसवां सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट, किडनी में एल-आर्जिनिन किडनी में मेटाबोलाइज होता है, और किसी किडनी डिजीज़ है या किडनी में प्रॉब्लम है तो एल-आर्जिनिन आपको किडनी के अंदर भी हेल्प करेगा। तो कोई एक अमीनो एसिड है या ऐसा सप्लीमेंट है जो आपको 10 बेनिफिट्स हार्ट से लेकर किडनी तक दे सकता है, तो आपको इसको अपनी डेली लाइफ में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। आज की वीडियो में बताएंगे आपको कि एल-आर्जिनिन होता क्या है, ये काम कैसे करता है, एल-आर्जिनिन लेना हो तो उसको ले कैसे, इसकी क्या करेक्ट डोजेज है, और एल-आर्जिनिन से क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं अगर इसकी डोज ज़्यादा हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। तो एल-आर्जिनिन एक मेटाबॉलिक एसेंशियल अमीनो एसिड है, बचपन में नॉर्मल आदमी एडल्ट्स इसको बना सकते हैं, पर अगर कोई स्पेसिफिक स्टेट है, फॉर एग्जांपल किसी को ईडी हो जाए, किसी की बॉडी में प्रोटीन डिफिशियंसी हो जाए, किसी को वीकनेस हो जाए, किसी की मसल ग्रोथ रुक जाए, तो एल-आर्जिनिन फिर से एसेंशियल बन जाता है। एल-आर्जिनिन ऐसा अमीनो एसिड है जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पैक करता है। तो जो लोग जिम जाके बात करते हैं प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, तो प्रोटीन तो ठीक है, पर प्रोटीन में एल-आर्जिनिन की मात्रा अच्छी होने से प्रोटीन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि जितना नाइट्रोजन एल-आर्जिनिन डेवलप, 32% नाइट्रोजन एल-आर्जिनिन पैक करता है, इससे आपको प्रोटीन सिंथेसिस, मसल ग्रोथ और NOS मतलब वो केमिकल जो लिंक खड़ा करता है, उसकी मात्रा बढ़ती है, इस कारण से आपको इरेक्शंस भी अच्छे आते हैं। पर ये एल-आर्जिनिन बनता कैसे है? एल-आर्जिनिन वैसे तो आपको, अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपकी डाइट में अंडे है, आपकी डाइट में दूध है, आपकी डाइट में मीट है, तो आपको एल-आर्जिनिन ऑलमोस्ट करेक्ट क्वांटिटी में मिल ही रहा होगा। पर वेजिटेरियंस, वेगन्स, वो लोग जो ज़्यादा प्रोटीन, मांस, अंडा नहीं खाते, या जिनकी बॉडी को गेन करना है वेट, या बॉडी वेट लूज हो रहा है, इन लोगों को एल-आर्जिनिन पूरी मात्रा में नहीं मिल पाता, और हमें आर्टिफिशियली एल-आर्जिनिन को सप्लीमेंट करना पड़ता है। ये एल-आर्जिनिन सप्लीमेंट नॉर्मली लैब में बनते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जिससे अमीनो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और ये ज़्यादातर चाइना में और US में बनते हैं, और इंडिया में इम्पोर्ट होके यहाँ पर इनको पैक करा जाता है आपके यूज़ के लिए। तो एल-आर्जिनिन की डोज जो बताई गई है वो नॉर्मली बताई गई है 5 से 6 ग्राम डेली, पर मेरे हिसाब से 3 ग्राम एल-आर्जिनिन, मेरे हिसाब से क्या मोस्ट वर्ल्ड अथॉरिटीज कहती है, अगर आपकी डाइट नॉर्मल है तो आपको फुल डोज की जरूरत नहीं है, आपको 3 ग्राम्स एल-आर्जिनिन डेली से भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। नॉर्मली इसको पानी में घोल के लेना चाहिए, इसको खाली पेट लेना चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए, और मोस्ट कंपनीज एल-आर्जिनिन के साथ में एल-सिट्रुलिन या प्रो एंथोसाइनिडिन, इन दोनों को जरूर ऐड करती है, क्योंकि ये एल-आर्जिनिन के इफेक्ट को बढ़ा देते हैं। अच्छा एल-आर्जिनिन कैसे चूज करें? अच्छा एल-आर्जिनिन चूज करें या तो जो आपका डॉक्टर आपको सलाह दे, नहीं तो आज के दिन इंटरनेट पे लाखों एल-आर्जिनिन के ब्रांड्स अवेलेबल है, अच्छी प्रोडक्शन फैसिलिटी हो, GMP सर्टिफाइड हो, WHO सर्टिफाइड हो, अच्छी जगह से बन के आता हो, और आपको उससे फिर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्या एल-आर्जिनिन के खाली बेनिफिट्स है? यस, एल-आर्जिनिन के बहुत सारे बेनिफिट्स है, पर एल-आर्जिनिन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, जैसे बीपी ज्यादा लो हो जाना, जिनका बीपी ऑलरेडी लो है उनमें बीपी बहुत कम हो जाना, कई बार इससे पेट में क्रैम्पिंग, दस्त, डायरिया या वॉमिटिंग की फीलिंग भी आ सकती है, पर नॉर्मली 1 या 2 या 3 बार लेने के बाद ये फीलिंग
खत्म हो जाती है। तो अगर आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है तो विटामिन डी के बाद एल आर्जिनिन एक जबरदस्त सप्लीमेंट है, जिसको आप अगर अपनी डेली लाइफ में ऐड करते हैं तो आपको अपने सारे पैरामीटर से बेनिफिट मिलेगा। हमारे यहाँ जो मरीज इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उसमें एल आर्जिनिन एक बेस मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर हम उनकी पिनाइल रिहैबिलिटेशन को एक्टिवेट कराते हैं। और नॉर्मली पेशेंट्स को एल आर्जिनिन अलॉन्ग विद पी शॉट के साथ पेनिस की हेल्थ में, लिंग की हेल्थ में बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आपको एल आर्जिनिन के बारे में और डिटेल्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट से इसको पा सकते हैं। अगर आप एल आर्जिनिन अच्छी क्वालिटी में खरीदना चाहते हैं तो गोविंदा लाइफ केयर से भी इसको आप परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। एल आर्जिनिन के बारे में और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरी प्रीवियस वीडियोज़ है जिनको आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।